सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सुंदर कथा सुनाने लगे, अमर कथा का वर्णन होने लगा। अमर कथा क्या है? यही श्रीमद् भागवत। भागवत का कथा का दूसरा नाम है अमर कथा। सुनाने लगे, सुनाते सुनाते मंगलाचरण, फिर उसके बाद जैसे कथा प्रारंभ हुई, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, बाल लीला सुनाते सुनाते जब अंत में ज्ञान और वैराग्य की बातें आने लगी, तो फिर पार्वती मैया को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। देखिए, भक्ति की बातें सबको अच्छी लगी, लेकिन ज्ञान की बातें और वैराग्य की बातें हर कोई सुन नहीं सकता, समझ में नहीं आएगी। नींद आने लगी। उधर कथा के प्रताप से तोते का जो अंडा था ना, उसमें धीरे धीरे शक्ति आने लगा और वो फूट गया। वहां पे तोते का सुंदर बालक प्रकट हुआ, उसने भी जन्म से ही कथा सुनना शुरू किया। कथा के प्रताप से सुनते 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 इधर पार्वती मैया ओम ओम बोल रही थी ना, तो वही तोते राम जी भी शुरू हो गए। पार्वती मैया सो गई तो तोते राम जी के मुख से आवाज आने लगा। और आप और हम सबको पता है कि तोता को जो बोलना सिखाते ना, वो सीख जाता है। जो सुनता है ना, सुनते सुनते वही बोलना शुरू कर देता है। कथा पूरी हुई, कथा पूरा होने के बाद जय घोष किया, बोलो भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब जय घोष किया, उसी समय पार्वती मैया हड़बड़ा के अपने आंखों को हाथों से मलती हुई आंख खोल करके जय जयकार करने लगी। भोले बाबा ने पूछा, देवी तुम सो गई थी क्या? बोले हाँ महाराज, थोड़ी सी नींद तो आई जाती है। बोले अच्छा, तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा था? पीछे मुड़ करके देखा, तोते राम जी सिर हिला रहे थे कि मैं था महाराज। बहुत गुस्सा आया भोले बाबा को, मारने के लिए त्रिशूल उठा लिए और दौड़ पड़े। लेकिन कथा का प्रताप था, उसी समय वही तोता भी, वही सुख भी अपने पंख को लेकर के उड़ने लगा। सारी दुनिया जिसके पीछे भागता है, वो भोलानाथ एक तोते के बच्चे के पीछे पीछे भागने लगे त्रिशूल लेकर के। भागते 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 महर्षि वेदव्यास जी की धर्म पत्नी पिंगला सुंदर श्रृंगार करके आंगन में बैठी थी, उसी समय उनको उबासी आई। जब उबासी आती है तो हमारा मुख खुल जाता है। जैसे उबासी आई, उनका मुख खुला, ओ सुख उड़ते हुए उनके मुख के अंदर प्रवेश कर लिया। जैसे प्रवेश किया, भोले बाबा खड़े हो गए, बोले ये क्या हुआ? वेदव्यास जी को बुलाया कि अरे तुम्हारे पत्नी के उदर में हमारा चोर घुसा है, उसको निकालो, हम उसको मारेंगे। वेदव्यास जी ने पूछा कि हे भोलेनाथ, आप तो अपने पास कुछ रखते ही नहीं, सब भक्तों को बांट देते हैं, मृग चर्म लपेटते हैं, हाथों में त्रिशूल डमरू बजाते हैं, आप तो वैसे आपके पास ऐसा क्या कीमती वस्तु है जो चुरा लिया? बोले इसने अमर कथा चोरी करके सुना है। क्यों? क्योंकि पीछे बैठ करके कथा सुनना कथा की चोरी करने जैसा दोष लगता है। इसलिए आप सब भी कहीं भी कथा भी सुनने जाते हो, सत्संग भी सुनने जाते हो, तो प्रयास करना जो कथा करते हैं उनके पीछे होकर के कभी ना सुने। इसलिए इस चोर को मैं छोड़ूंगा नहीं, बाहर निकालो। अच्छा, इस कथा में है क्या? बोले जो एक कथा सुन लेता है वो अजर अमर बन जाता है। वेदव्यास जी ने कहा कि इसने कथा सुन ली? बोले सुन ली। अब कथा सुन ली तो ये अजर अमर बन गया, आप मारोगे कैसे?
और यदि आपने मार दिया तो अमर कथा की महिमा क्या रही फिर? बोले बाबा ने सोचा धत्तरी के मैं तो ये तो भूल ही गया था कि यदि मैंने मार दिया तो महत्व क्या रहेगा, और ये अजर अमर होने के बाद मैं मार नहीं सकता। जैसे मेरे गोविंद की इच्छा, जैसे मेरे परमात्मा श्री कृष्ण की इच्छा, बोल करके परमात्मा का नाम लेते हुए अपने कैलाश की तरफ प्रस्थान कर गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। छीन लिया मेरा भोला सामन राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला सामन राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा सब गाइए रमन, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, हो राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, हो राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। सब मीठी मीठी ताली बजाते हैं। का ग्वाला ब्रज का कन्हैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन वो माँ का कन्हैया, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, हो राधा रमन प्यारो राधा रमन, हो राधा रमन सब गाइए राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, हो राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भोले बाबा चले गए, लेकिन अब पार्वती को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कथा में आके जो सो गए वो खो गए, लेकिन मीठी नींद ही आएगी आपको। अपने घर के मखमल के गद्दे में उतना स्वाद वाला नींद नहीं आएगा जो यहाँ पे आपको नीचे बैठ के आएगा। फिर भी कोशिश करना कि जगते रहो जगते रहो, क्यों हमें परमात्मा से मिलने के लिए आए। सोनक आदि मुनियों ने प्रश्न किया है, गुरुदेव ये भागवत की रचना कब किसने और कहां पे की, आप इसका जवाब दीजिए। ये कथा हमें सुनाइए। आचार्य सुत जी महाराज वर्णन करने लगे कि भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतार में जो 17 नंबर का अवतार है 17, उस अवतार का नाम है महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी महाराज
बद्रीनाथ धाम में रहते हैं। बद्रीनाथ धाम का महिमा क्या है ये कथा आपने कल सुनी। वहां पे रह करके भजन करते हैं और एक दिन सरस्वती नदी किनारे अपनी कुटिया में बैठे थे। बैठे बैठे उनके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। प्यारे भक्तजन, सुंदर साथ जी, पवित्र आत्माओं, आप सब विचार करना, कभी अकेले हम होते ना उस समय अनेक प्रकार के ख्याल आते, अनेक प्रकार की सोच आती है, कभी अच्छी अच्छी विचार उत्पत्ति होती है और कभी उल्टी उल्टी। महर्षि वेदव्यास जी के मन में भी अनेक प्रकार के विचार आने लगे, लेकिन संत हैं तो उनका विचार कैसा आया? बड़े भाग मानो सतन पावा, बड़े भाग मानो सतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। ये मानव का तन बहुत भाग्य से मिलता है। कितनी योनियां होती है? 84 लाख। 84 लाख योनियों में से हम भटकते 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 योनियां काटते 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 काटते, जब हमारा शरीर शुद्ध हुआ, हमारा पुण्य उदय हुआ, हम पवित्र बने, तब परमात्मा ने अपने जैसा तन दे करके हमें संसार में भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि अब अपने जैसे बना के भेजा है तो कम से कम मेरे को पहचान लेगा। लेकिन जन्म पाने के बाद भी जब हम संसार में आते हैं तो परमात्मा को वादा करके आते हैं कि संसार में जाएंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन जैसे ही जन्म होता है तो सबसे पहला काम वही करते हैं, परमात्मा को ही भूल जाते हैं। बाकी सब कुछ याद है लेकिन परमात्मा को ही सर्वप्रथम हम भुला देते। मानव का तन देवताओं को भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो तन आप और हम सबको मिला है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। नरक किधर है? नरक नीचे है ना, सात लोग नीचे है ना कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग को जहां पे परमात्मा के धाम जाना है, परमात्मा का वो धाम जिसका नाम है परम धाम, परम धाम किधर है? और ऊपर और नीचे, बीच में हम सब पिसा रहे हैं। कोई जन्म ले रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, लेकिन पिसते पिसते भी जो परमात्मा के चरणों में जाकर के गिर जाता है वो तो परमात्मा का परम धाम पा लेता है, और जो परमात्मा का चरण छोड़ देता है वो फिर नीचे जाता है। हम लोग जो कर्म करें ऐसा कर्म करें कि मरने के बाद हमें नीचे जाना ना पड़े, हमें परमात्मा का विमान आए और उसमें बैठ करके हम परम धाम जाए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। इस प्रकार की सोच महर्षि वेदव्यास जी के मन में आ रहा है। घड़ी घड़ी में आयु घटती, जो अंजलि का पानी है, बाल अवस्था गई जवानी, मौत शीश मडरानी है। आप
अपनी अंजलि में पानी रख लो, उसको फेंकना मत बिल्कुल, लेकिन आप देखोगे लगभग 5-10 मिनट के बाद वो पानी अपने आप खत्म हो जाता है। वैसे ही हमारी आयु है, हम कब 10 साल के हो गए पता ही नहीं चलता, कब 20 साल के हो गए अपन को पता नहीं, कब जवान हो गए पता नहीं, जब बूढ़े हो जाते तब भी पता नहीं चलता हमें, लेकिन हम हो जाते। ये बात अलग है, बूढ़े होने के बाद भी जवान दिखने का प्रयास करते हैं वो एक अलग बात है फिर, लेकिन बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, बुढ़ापा आता है उसके बाद फिर आएगा कुछ नहीं, उसके बाद फिर जाना ही बाकी रहेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए संतों ने कहा जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है, ये जीवन एक मकान है, उससे आप पूछना जो किराए के मकान में रहता है, उससे आप पूछोगे ना भाई तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो क्या बोलेगा, बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरा कोई अपना मकान हो जाए, है कि नहीं, हाँ या ना बोलो, होता है ना, जो किराए के मकान में रहता है वो क्या सोचता है, मैं तो बस यही चाहता हूं अपना खुद का मकान हो ना, तो भाई बड़ी शांति मिलेगी। और अपना मकान कहाँ है, ये मकान तो हमारा किराए का है, मकान तो ऊपर में है, जहां पे परमात्मा के धाम से आप और हम खेल देखने के लिए आए हैं, और यहां पे हम लोग खेल देखने के लिए आए थे लेकिन हम लोग खुद खेल खेलने लगे। आप सब कभी कभी फिल्म देखने जाते होंगे बच्चों के साथ छुट्टी के दिन, तो आप याद करना आप तो आराम से चाय कॉफी पीते हुए देख रहे हैं, लेकिन जो फिल्म खेल रहा है वो उसको फाइटिंग भी करना पड़ता है, उसको कभी कभी रोना भी पड़ता है, कभी कभी भागना भी पड़ता है, कभी कभी हंसना भी पड़ता है, सारी एक्टिंग करने पड़ते हैं। ऐसे ही हम लोग भी संसार में देखने के लिए आए थे, नाटक देखने खेल देखने आए थे, लेकिन जब हम लोग स्वयं खेलने लगे तो फिर खेलोगे तो फिर रोने जैसा भी करना पड़ेगा, हंसोगे भी, दुख भी पाओगे, भागना भी पड़ेगा, किसी को भगाना भी पड़ेगा, ये तो फिर खेलेंगे तो फिर उसका तो खिलाड़ी तो बनना ही पड़ेगा। राधे श्याम के सुमिरन से कट जाते सब पाप, राधे श्याम जो साथ रहे फिर मन का ही संताप। महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव के पावन प्रसंग में श्रवण कीजिए युवा संत श्री ज्योति स्वरूप जी महाराज के मुखारविंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। 21 अक्टूबर 2018 से प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर सिर्फ जय पारस चैनल पर।